नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण द्वारा 2031 का जो GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस पर आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। इस पर आप आपत्ति सुझाव कैसे दे सकते हैं, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जब इस मास्टर प्लान का अध्ययन किया तो मुझे कुछ इसमें सुझाव देना उचित हुआ। क्षेत्रीय विकास के लिए ये आवश्यक था, इसलिए मैं कुछ सुझावों पर भी चर्चा करूंगा। अगर उस क्षेत्र के निवासियों को लगता है कि ये सुझाव उपयुक्त हैं, तो आपत्ति सुझाव सबमिट करने की जो तिथि है उसके पहले विकास प्राधिकरण में जाकर अपने आपत्ति और सुझाव के साथ इस आपत्ति सुझाव को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उनको ये लगता है कि क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है और इससे क्षेत्र का विकास भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, तो मैं कुछ इस तरह के सुझाव भी अपनी तरफ से प्रस्तुत करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि महायोजना या मास्टर प्लान होता क्या है। तो महायोजना का मतलब एक ऐसा नीत निर्धारण दस्तावेज है जो बढ़ती हुई जनसंख्या का आगामी 10 सालों तक के लिए, 2031 तक के लिए क्या आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, प्रति व्यक्ति जलापूर्ति कितनी बढ़ जाएगी, सीवरेज की व्यवस्था कितनी बढ़ जाएगी, और उस जनसंख्या के लिए भौतिक सुविधाएं क्या क्या बढ़ानी पड़ेंगी, उनके लिए आकलन करना और उनका आरक्षण करना एक मानचित्र के माध्यम से, इसी को महायोजना कहते हैं। अब बात करते हैं कि GIS बेस्ड महायोजना का क्या मतलब है। दोस्तों, GIS बेस्ड का मतलब हुआ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस रहेगी ये महायोजना। अर्थात इस महायोजना में सिस्टम के माध्यम से समस्त राजस्व ग्रामों के मानचित्र भी अपलोड किए जाएंगे, और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से इस महायोजना के संपूर्ण विकास क्षेत्र के राजस्व ग्राम उसके संदर्भ में, मास्टर प्लान के संदर्भ में अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे कि मास्टर प्लान में दर्शाए गए विभिन्न भूपयोग को कोई भी व्यक्ति अपने घर पर बैठकर ही सिस्टम के माध्यम से उस जिस जमीन का उसको भूपयोग पता करना है, उस लैंड का खसरा नंबर सिस्टम पर अपलोड करके वो जान सकता है कि इस लैंड का भूपयोग क्या है, आवासीय है या व्यवसायिक है, या इसमें हम किस प्रकार की गतिविधि या किस प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। GIS बेस्ड मास्टर प्लान का ये उपयोग है आम जनता के लिए। दूसरे चरण में अगर बात करें तो इसमें ये भी लाभ विकास प्राधिकरण अगर चाहे तो दे सकता है कि विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई समस्त योजनाओं के मानचित्र, उनके समस्त विवरण तथा विकास क्षेत्र में स्वीकृत की गई प्राइवेट कॉलोनाइजर्स की कॉलोनियों को भी अपलोड किया जा सकता है, ताकि वहाँ के लोग अगर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उनको ये ज्ञात हो सके कि इस कॉलोनी का लेआउट स्वीकृत है या नहीं है, ये विकास प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत है या नहीं है, या जो जमीन वो खरीदना चाह रहे हैं उसका लैंड यूज क्या है, वहाँ पे आवासीय निर्माण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अगर वो मकान बनाने के लिए खरीद रहे हैं, या उनको जो भी निर्माण करना है वो अपने खसरे नंबर को गांव का नाम डालकर सिस्टम पर ही ये पता कर सकते हैं कि इसका भूपयोग क्या है, और निर्णय ले सकते हैं कि वो जमीन उनके उपयोग की है या नहीं है, इसको खरीदें या नहीं खरीदें। इसके साथ ही ये भी इसका लाभ हो सकता है कि विकास प्राधिकरण की योजनाओं में जो समस्त भूखंड है, जब इस पर उनके विवरण अपलोड कर दिए जाएंगे, तब विकास प्राधिकरण का जो संपत्ति का ऑडिट है वो किया जाना आसान हो सकेगा कि कितने भूखंड कुल थे इस योजना में, कितने बिक गए हैं, कितने अवशेष हैं, और उस योजना के अंतर्गत कोई रिक्त भूमि है तो उसका विवरण भी अपलोड रहेगा, ताकि योजनाओं के अंतर्गत भूमि की कोई हेरा फेरी किया जाना संभव ना हो सके। ये GIS बेस्ड मास्टर प्लान के उपयोग हैं। इसलिए ये भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग समस्त नगरों के जो मास्टर प्लान है वो GIS बेस्ड किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में डिस्प्यूट कम से कम हो सके और भूम का विकास आसानी से मास्टर प्लान के अनुरूप किया जा सके। दोस्तों, अब मैं बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 का जो प्रस्ताव बनाया गया है, इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में टिप्स पे बात कर लेता हूँ। दोस्तों, इस मास्टर प्लान में कलेक्ट्रेट के सामने कॉमर्शियल बेल्ट विकसित करने की योजना है, तथा इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की योजना है। इसी तरह बागपत में टटीरी के पास इंडस्ट्रियल
तथा आवासीय योजना विकसित करने की प्रस्ताव है। इसी तरह बड़ौत में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेरठ व मुजफ्फरनगर रोड वाले चौराहों के पास सबसे ज्यादा विकास किए जाने का प्रस्ताव है। तथा खेकड़ा में अगर बात करें खेकड़ा की, तब यहाँ पर हसनपुर, मसूरी व सुभानपुर की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाने की योजना है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर बागपत, बड़ौत, खेकड़ा विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 का जो चित्र है वो चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस चित्र में जो भूपयोग दर्शाए गए हैं उन भूपयोगों का सूक्ष्म विवरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों इस मास्टर प्लान के प्रमुख भूपयोग की चर्चा कर लेते हैं। इसमें रेजिडेंशियल है, जिसके अंतर्गत रेजिडेंशियल है, बिल्टअप एरिया अलग चिन्हित किया गया है, तथा जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको अलग रंग से दर्शाया गया है येलो कलर से। इसी तरह दूसरा जो प्रमुख भूपयोग है वो कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल भूपयोग के अंतर्गत कॉमर्शियल है, बाजार स्ट्रीट है, तथा होलसेल कॉमर्शियल का अलग अलग चिन्हांकन किया गया है। इसी तरह प्रमुख भूपयोग में ऑफिस है, जहाँ की ऑफिस बिल्डिंग्स बनाए जाने का प्रस्ताव रहेगा। नेक्स्ट जो है वो पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज के लिए रखा गया है, जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, और कम्युनिटी फैसिलिटीज का भी प्रस्ताव रखा गया है। इंडस्ट्रियल एरिया का भी प्रमुख उपयोग है, जो इंडस्ट्रियल जोन में दिखाया गया है पर्पल कलर से। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रमुख उपयोग में प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें रेलवे प्रॉपर्टी है और ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे के पास ट्रांसपोर्ट नगर और बस स्टेशन के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। अब बात करते हैं प्रमुख उपयोग का सेवेंथ जो उपयोग है वो रिक्रिएशनल है, मनोरंजन। इसके अंतर्गत पार्क एंड प्लेग्राउंड रखा गया है, रीजनल पार्क रखा गया है, रिवर प्रोटेक्टेड एरिया है जो यमुना रिवर के किनारे किनारे है, जहां पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, और ग्रीन बेल्ट है जो प्रमुख रोड्स के किनारे किनारे प्रस्ताव रखा गया है जिसको छोड़ने का। अदर्स कुछ उपयोग है जिसमें कि पहले से जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज है उनको दिखाया गया है, या क्षेत्र में जो बाघ है उनको दिखाया गया है। एग्रीकल्चर लैंड यूज के अंतर्गत प्रमुख जो लैंड है वो एग्रीकल्चर में है, उसके बाद हाईवे फैसिलिटीज हैं और इंडस्ट्रियल जोन भी बनाए गए हैं। कुछ एग्जिस्टिंग रोड और प्रपोज रोड को भी इस एग्रीकल्चर लैंड यूज के अंतर्गत दर्शाया गया है। दोस्तों इस मास्टर प्लान की बुकलेट का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड करके इस मास्टर प्लान का अध्ययन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई आपत्ति है या आपका कोई सुझाव है तो आप विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उसको या उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर भी अपनी आपत्ति सुझाव जमा करा सकते हैं। और आपत्ति सुझाव जमा कराने के लिए प्रथम बार 11 जुलाई से 10 अगस्त तक की डेट रखी गई थी, जिसके अंतर्गत इस अवधि में लगभग 200 आपत्तियां और सुझाव प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त हुए थे। इतनी अधिक मात्रा में आपत्ति और सुझाव प्राप्त होने की वजह से विकास प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की दृष्टिकोण से इस आपत्ति और सुझाव मांगने की अवधि को आगामी 15 दिन तक और बढ़ा दिया गया है। अब आप इस आपत्तियों और सुझावों को प्राधिकरण कार्यालय में 25 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर प्लान की बुकलेट पीडीएफ के रूप में डाली गई है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आप कोई अपनी आपत्ति या सुझाव डालना चाहते हैं तब आप 25 अगस्त तक इसको जमा करा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मास्टर प्लान में देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है, इस विकास क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख मार्ग हैं जिनको कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा योगदान है, जिन मार्गों का उनकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक, इसमें जो नेशनल हाईवे है दिल्ली सहारनपुर रोड, अगर हम बात करें तो ये इस विकास क्षेत्र की लाइफ लाइन कहा जा सकता है। बहुत तेजी से इस रोड के किनारे विकास होने की संभावना है और विकास हो भी रहा है। दूसरा जो है वो कुंडली मानेसर पलवल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, जो इस विकास क्षेत्र को अन्य जिलों के साथ साथ बागपत, बड़ौत, खेकड़ा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रमुख सड़कों को भी जोड़ती है, जैसे कि जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, दिल्ली देहरादून रोड है, इन रोडों को भी ये ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जोड़ती है। तीसरे रोड के रूप में अगर बात करें तो बागपत को मेरठ से जोड़ने वाली सड़क भी बागपत, बड़ौत, खेकड़ा विकास क्षेत्र में इसकी प्रमुख भूमिका है। ये प्रमुख सड़कें थी जो इस विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इस मास्टर प्लान के संबंध में अपने सुझाव जो मैंने अध्ययन किया है इसका वो देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मास्टर प्लान में 2-3 बिंदु मुझे भी ऐसे लगे जो मैं जनता के सामने रखूं, ताकि अगर आपको लगे कि हाँ आपके क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं तो आप अपने आपत्तियां या सुझाव में इनको विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा दिल्ली सहारनपुर रोड तथा ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के क्रॉसिंग वाले पॉइंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसको कि मैंने रेड सर्कल से घेरा हुआ है, ये जो दिल्ली सहारनपुर रोड है और ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड है, इसके जंक्शन पर जो लाल सर्कल से मैंने किया हुआ है, घेरा हुआ है, ये क्षेत्र विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है
क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर से जोड़ती है और पूरे दिल्ली का एक तरह से सर्कल बनाती है। जो भी बाहर से आने वाले वाहन हैं, लोग हैं, इस क्षेत्र से गुजरेंगे और ये इस विकास क्षेत्र का एक तरह से शोकेस हो सकता है। और इसी तरह इसको जब जो दिल्ली सहारनपुर रोड है ये क्रॉस कर रही है, तो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट यही है। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून रोड भी आगे चलकर ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड को क्रॉस कर रही है। तो इतना जो टुकड़ा है जहां पर खेकड़ा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सहारनपुर रोड ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड को क्रॉस करती है, ये क्षेत्र काफी पोटेंशियल वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मास्टर प्लान में जो अब प्रस्ताव दिया गया है ये उस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है पोटेंशियल का आकलन कम किया गया है और इस तरह से मास्टर प्लान में उपयोग सेट किए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के सहारनपुर की तरफ उसके किनारे जो जहां पर दिल्ली सहारनपुर रोड ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड को क्रॉस करती है, मावी कला जो गांव है, इस गांव के छोटे टुकड़े पर जो पर्पल कलर में दर्शाया गया है मास्टर प्लान में, इसमें इंडस्ट्रियल रखा हुआ है, ये ठीक है। इसके बाद सहारनपुर रोड क्रॉस कर जाती है और उसके राइट हैंड में ट्रांसपोर्ट नगर है, ठीक है, हाईवे के किनारे ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, यहाँ वाहनों का आवागमन सुगम रहता है। इसके बाद फिर पर्पल कलर के क्रॉस हैं, ये मतलब इंडस्ट्रियल यूज है, यहाँ भी ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के दूसरी तरफ मतलब खेकड़ा साइड में, लौनी साइड में जो दिल्ली सहारनपुर रोड जा रही है उस तरफ की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ जब बात करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि सबसे पहले दिल्ली सहारनपुर रोड और ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के क्रॉसिंग पे फिर आ जाते हैं। राइट हैंड में जो सहारनपुर रोड है लौनी की तरफ जा रही है, इस रोड पर अगर हम राइट हैंड की तरफ देखें ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के किनारे, तो सबसे पहले राइट हैंड में कोने पर ऑफिस लैंड यूज दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक लंबी पट्टी ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के किनारे खेकड़ा की तरफ हाईवे फैसिलिटीज है, इंस्टीट्यूट्स के लिए रखी हुई है, इंस्टीट्यूशनल यूज है, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर अगर हम चलेंगे लौनी की तरफ, तब राइट हैंड में क्या होगा, कोने पर हमारा पहले जैसे अभी बात की थी ऑफिस लैंड यूज है, उसके बाद लौनी की तरफ जब दिल्ली सहारनपुर रोड पर चलेंगे क्रॉसिंग से लौनी की तरफ, कौन सी क्रॉसिंग, जो ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड और दिल्ली सहारनपुर रोड की क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग से दिल्ली सहारनपुर रोड पर लौनी की तरफ जब चलेंगे तो राइट हैंड पर सबसे पहले ऑफिस लैंड यूज है, वो ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर से पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज दर्शाया गया है, ये भी मेरे जो अध्ययन है उसके अनुसार ये ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस आप पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज में गेस्ट हाउस बना सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, रहन बसेरिया बना सकते हैं और यहाँ तक कि आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बना सकते हैं। तो यहाँ पब्लिक के उपयोग के लिए अच्छा है, यहाँ पोटेंशियल का, इस क्षेत्र के पोटेंशियल का पूरा उपयोग किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं लौनी की तरफ, तो देखते हैं कि रेड कलर से फिर यहाँ पर कॉमर्शियल लैंड यूज दर्शाया गया है, वो ठीक है। और आगे अगर लौनी की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर से हाईवे फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज है, ये सब एकदम ठीक है। अब हम बात करते हैं दोबारा से पहुंचते हैं ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड और दिल्ली सहारनपुर रोड के चौराहे पर क्रॉसिंग पर फिर से पहुंचते हैं और दिल्ली सहारनपुर रोड के लौनी की तरफ वाले हिस्से में पेरिफेरियल रोड के बाईं तरफ की बात कर लेते हैं। तो बाईं तरफ ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के किनारे दिल्ली सहारनपुर रोड के लौनी की तरफ चलने पर जो एरिया है, सबसे पहले बाईं तरफ अगर हम सहारनपुर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, दिल्ली सहारनपुर रोड पर सहारनपुर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तब बाईं तरफ की बात हो रही है। तो सबसे पहले ब्लू कलर से दर्शाया गया है कोने पर, वो है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल की एक लंबी पट्टी है, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पोटेंशियल का अच्छा उपयोग है क्योंकि ये दिल्ली सहारनपुर रोड इस विकास क्षेत्र की लाइफ लाइन है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसी क्षेत्र में है जैसे मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद फिर वही अगर हम लौनी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हसनपुर मिजरी गांव आता है, इस पर इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज दर्शाया गया है, हाईवे फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल, ये ठीक है। और आगे चलकर फिर इसमें इंडस्ट्रियल दर्शाया गया है, यहाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम सहारनपुर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे दिल्ली सहारनपुर रोड पर और ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के क्रॉसिंग पर फिर से पहुंचेंगे तो बाईं तरफ कोने पर जो ब्लू कलर से पब्लिक और सेमी पब्लिक यूटिलिटीज था, उसके बाद हमारा कॉमर्शियल लैंड यूज था, उसके पीछे और ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे के किनारे तक
एक लंबी पट्टी में रीजनल पार्क लैंड यूज दर्शाया गया है। दोस्तों मेरे अध्ययन से, मेरे अनुभव से, ये लैंड यूज जो रीजनल पार्क यहाँ रखा गया है ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल जोन में लोएस्ट पोटेंशियल का लैंड यूज है और यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस उपयोग में जो हमारा रीजनल पार्क का उपयोग है, इस उपयोग में मास्टर प्लान के अनुसार केवल पार्क, खेल स्थल और खेल के मैदान बनाए जा सकते हैं। बहुउद्देशीय प्रयोजन हेतु खुले क्षेत्र के रूप में रहेगा। गोल्फ कोर्स या रेस कोर्स बनाए जा सकते हैं। स्टेडियम या खेल प्रशिक्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर इसमें निर्माण की स्थिति सामान्य जन के लिए, आम जनता के लिए जीरो है। आम जनता इसमें कोई प्रयोग नहीं कर सकती और ये खुला क्षेत्र रहेगा और ये बहुत बड़ा एरिया है। तो मेन रोड पर ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे और दिल्ली सहारनपुर रोड के क्रॉसिंग पर जो हाई पोटेंशियल जोन है, इस जोन में रीजनल पार्क या पार्क लैंड यूज प्रस्ताव किए जाने का कोई उपयोग नहीं है। ये पूरी तरह इस पोटेंशियल को डाउन करने का काम करेगा। आप समझिए कि ये कैसे संभव है कि कॉमर्शियल, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज, हाईवे फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट नगर, ऐसी सुविधाओं से जब ये चौराहा लैस किया गया है तो इसी चौराहे पर ऐसा उपयोग क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है जहां पर कि कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, जबकि ये एरिया हाई पोटेंशियल एरिया है और पूरे विकास क्षेत्र का ये लाइफ लाइन वाली रोड है, पूरे विकास क्षेत्र का ये शोकेस है। तो मेरे अनुसार ये लैंड यूज जो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है और रीजनल पार्क या पार्क का लैंड यूज है, इस लैंड यूज का जो स्थान है वो उचित नहीं है। मेरे अनुसार यहाँ पर कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या पब्लिक सेमी पब्लिक यूटिलिटीज, इस तरह के यूज रखे जा सकते थे ताकि इस क्षेत्र का जो विकास है वो बैलेंस्ड पोटेंशियल के अनुसार हो और भविष्य के 10 सालों में यहाँ की पब्लिक इस क्षेत्र के विकास का अधिकतम इष्टतम उपयोग कर सके, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो कर सके। इससे क्या लाभ होगा कि इस क्षेत्र में जब यहाँ का यूज, मान लीजिए मास्टर प्लान में आपके सुझाव और आपत्ति प्रस्तुत करने पर इस रीजनल पार्क के स्थान पर कॉमर्शियल कर दिया जाता है, जो कि उचित है। मेरे अनुसार यहाँ पर कॉमर्शियल ही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि गाजियाबाद में, राजनगर में जो RDC है, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वो कॉमर्शियल यूज का जोन है, हाई पोटेंशियल जोन है, जो हापुड़ रोड पर राजनगर में बना हुआ कलेक्ट्रेट के पास, आपका भी ये स्थान उसी तरह का है। तो उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रूप में कॉमर्शियल लैंड यूज दिया जाना उचित है, ताकि इस क्षेत्र का विकास की जो संभावनाएं हैं उनका पूरा दोहन किया जा सके। इससे क्या होगा कि जब इस क्षेत्र का यूज, जहां पर अभी रीजनल पार्क दिया गया है, कॉमर्शियल या संबंधित अन्य पोटेंशियल वाला उपयोग कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारा सुझाव है, तब यहाँ से सरकार को भी राजस्व की अच्छी प्राप्ति होगी, यहाँ के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्रय विक्रय अधिक होगा, निर्माण अधिक होगा, तब यहाँ सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा और इस क्षेत्र का विकास जो है समावेशी हो पाएगा और अधिकतम उपयोग विकास के लिए जो यहाँ का क्षेत्र है वो किया जा सकता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है कि यहाँ से जो रीजनल पार्क लैंड यूज है हटा दिया जाए और यहाँ पर कॉमर्शियल लैंड यूज कर दिया जाए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD जिसको कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। एक मेरा सुझाव ये है। दूसरा सुझाव ये कि जब यहाँ से रीजनल पार्क हट जाएगा तो रीजनल पार्क को आखिर कहाँ ले जाया जाए। दोस्तों आप बात करते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड पर आगे बढ़ते हैं इस चौराहे से, इस क्रॉसिंग से सोनीपत की तरफ। तो सोनीपत की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो एक प्रस्तावित रोड है। इस प्रस्तावित रोड को पार करते ही यमुना रिवर के किनारे जो रिवर प्रोटेक्टेड एरिया है, उस एरिया को छोड़कर प्रस्तावित जो रोड है, सहारनपुर के लिए प्रस्तावित की गई है नई रोड, इस प्रस्तावित एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे और यमुना रिवर प्रोटेक्टेड एरिया के बीच का जो क्षेत्र है जिसमें अभी एग्रीकल्चर लैंड यूज रखा गया है, इस लैंड यूज में आप एग्रीकल्चर की जगह रीजनल पार्क या पार्क रख सकते हैं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आप यमुना रिवर का फ्रंट विकसित कर सकते हैं, जैसे कि गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, लखनऊ में गोमती का रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। इसी तरह यमुना एक पवित्र और धार्मिक नदी है, यहाँ पर दर्शनार्थी आने शुरू हो जाएंगे, अभी भी आ रहे होंगे, आप यहाँ पर एक रिवर फ्रंट विकसित कर सकते हैं। और जब रिवर फ्रंट विकसित हो जाएगा तो रीजनल पार्क, जिसमें कि आप पार्किंग का प्रयोग कर सकते हैं, खेल का मैदान, स्टेडियम बनाया जा सकता है, रेस कोर्स, गोल्फ कोर्स आदि बनाए जा सकते हैं, तो रिवर फ्रंट के पास इस तरह की एक्टिविटीज जो रीजनल पार्क के उपयोग में
अनमन्य की जा सकती हैं और इन एक्टिविटीज को जिसकी लैंड है सामान्य किसान जिसका खेत है वहाँ पर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे किसान कोई बड़ी एक्टिविटी स्टेडियम तो बना नहीं सकते हैं। सरकार इसको आगे जाके अगर अधिग्रहण करती है तो इन किसानों को इसका मुआवजा भी मिलेगा अच्छा, और यहाँ के क्षेत्र का विकास, रिवर के फ्रंट का विकास, पूरा रिवर डेवलपमेंट एरिया और जो हमारा रीजनल पार्क का एरिया होगा वो एक साथ विकसित हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया जा सकता है। ये हमारा दूसरा सुझाव है, रीजनल पार्क को दिल्ली सहारनपुर रोड और एक्सप्रेसवे के क्रॉसिंग से हटाकर ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड के किनारे उस स्थान पर कर दिया जाए जहां पर कि यमुना रिवर है और यमुना रिवर प्रोटेक्टेड एरिया है और प्रस्तावित जो एक्सप्रेसवे है उसके बीच का क्षेत्र जो एग्रीकल्चर लैंड यूज में है वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है। इसके साथ ही मुझे पता लगा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि इस सांक रोड गांव और मावी कला गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट में इस रीजनल पार्क लैंड यूज को यहां से हटाने के बारे में प्रदर्शन भी किया है, इसका विरोध भी किया है, पेपर की कटिंग आपके सामने आप देख सकते हैं। तो जब लोग यहां का विरोध कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए ये अनुपयोगी है, बल्कि मैं तो कहूंगा क्षेत्र का विकास यहाँ रुक जाएगा क्योंकि मैक्सिमम या मोस्ट पोटेंशियल वाले क्षेत्र में आपने रीजनल पार्क कर दिया है और इस रीजनल पार्क को जब आप रिवर फ्रंट के पास कर लेंगे, रिवर फ्रंट भी डेवलप हो जाएगा, वहां पर आप पार्किंग और तत्सहयोगी क्रियाएं जो कि रीजनल पार्क में की जा सकती है वो विकसित कर लेंगे तो एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है, ये मेरा सुझाव है। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक और त्रुटि के बारे में बात करना चाहूंगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए सार्वजनिक सूचना जो प्रकाशित की गई है आपत्ति सुझाव देने के लिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण बागपत महायोजना 2031 ब्रैकेट में ड्राफ्ट पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिकारी 1973 की धारा सेकंड में दिए गए प्रावधानों के आलोक में। दोस्तों ये गलत प्रिंट है, मैं ये नहीं कह रहा विकास प्राधिकरण ने ये जानबूझ के किया है, लेकिन चूंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है आप यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के प्रावधानों के तहत सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपने जो प्रिंट करवाया है वो करवाया है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिकारी 1973, तो आम जन विकास अधिकारी तो कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पे गलत है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973। दोस्तों इस त्रुटि में वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लोग आपत्ति सुझाव प्रस्तुत कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी संस्था ने इस बात को विधिक रूप से लेकर इसमें कोई केस कर दिया, कोई लीगल वैल्यू इसकी जीरो करने के लिए कोई रिट कर दी, तब इस प्रकाशन की इस विज्ञप्ति की लीगल वैल्यू जीरो हो जाएगी और डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे। आपने तो उसमें विकास अधिकारी 1973 लिखा हुआ है तो इसमें अधिनियम की कोई चर्चा नहीं है, तो मैं किस रूल के अंदर किस नियम किस अधिनियम के अंतर्गत अपनी आपत्ति दूं? मैंने जो आपत्ति दी है वो गलत है, या विकास प्राधिकरण किसी डिस्प्यूट के चलते ये कह सकता है कि आपकी आपत्ति जो प्रस्तुत की गई है वो गलत है? तो इस डिस्प्यूट को भी खत्म करने का एक तरीका ये है कि आप क्योंकि इसकी आपत्ति सुझाव प्रस्तुत करने की तिथि नजदीक आ रही है, 25 अगस्त ही अंतिम तिथि है, आप इस बात को इस जो इसमें डिस्प्यूट है जो गलत प्रिंट हो गया है इस बात को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समय अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि चूंकि विज्ञप्ति में गलत प्रिंट हो गया है, नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 प्रिंट होना चाहिए था जबकि नगर नियोजन एवं विकास अधिकारी 1973 प्रिंट हो गया है जिसकी वजह से इसकी लीगल वैल्यू जीरो हो गई है, तो हमें दोबारा से एक महीने का समय आपत्ति सुझाव प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया जाए। तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप जब अपनी बात रखेंगे तो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आपकी इस बात को लीगल वेटेज देते हुए समझेंगे और इस अवधि को आगामी एक महीने के लिए दोबारा विज्ञप्ति प्रकाशित करके बढ़ाया जा सकता है और उस अगली विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 ही प्रिंट होना आवश्यक है, ऐसी बात आप रख सकते हैं ताकि आपको आपत्ति सुझाव प्रस्तुत करने के लिए और समय मिल सके। तो अगर आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं कि उपाध्यक्ष के समक्ष अपने स्वयं संस्था या अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से विज्ञप्ति को करेक्शन के साथ सही प्रिंट कराते हुए आगामी एक महीने का समय आपत्ति सुझाव प्राप्त करने के या प्रस्तुत करने के लिए दोबारा से प्रकाशित करा सकते हैं ताकि आपको समय भी मिल सकता है और इसका अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों मैंने इस अपनी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान का पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे मास्टर प्लान का अध्ययन कर सकते हैं
और अपनी आपत्तियां सुझाव निर्धारित समय अवधि के अंतर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।